हेलो नमस्कार, प्रश्न दिया हुआ है। एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 रुपये अंकित की। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने पर वो कितना होगा? तो अंकित मूल्य कितना दिया है 1280, छूट कितनी दी है 10%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य होगा क्या होगा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य गुणित 100 माइनस बट्टा बटे 100। ठीक है, चलो। तो अंकित मूल्य कितना है 1280 गुणित अंकित बट्टा 100 माइनस 10 बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1280 गुणित 90 बटे 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 तो 9 8 72, 9 2 18 और 7 25, 9 1 9 और 2 1100 हो गया विक्रय मूल्य। अब क्या बताना है? यदि 20% का लाभ हो तो अंकित मूल्य, अब क्या क्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे 100 प्लस लाभ, यही होता है। लगा देते हैं 1152 गुणित 100 बटे 100 प्लस लाभ, मतलब 100 प्लस 20, तो 1152 गुणित 100 बटा 120। 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बचा 12 7 2 9, 3 से कट जाएगा 300 के 12, 3 3 9 बचा 2 हो गया 25, 3 8 24 और 3 4 12। अब 4 से जाएगा, 4 1 4 4 4 1 4, 4 8 32, 4 9 36 बचा 2, 4 6 24, 6 मतलब 960 रुपये। कितना 960 रुपये क्या हुआ क्रय मूल्य, 960 रुपये क्रय मूल्य इसका आंसर हो गया। थैंक यू।